तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपन YouTube के लिए फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं YouTube के लिए आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप इजी तरीके से आप भले ही कुछ भी कोडिंग वगैरह नहीं जानते हो तब भी आप अपनी YouTube के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं YouTube वगैरह दिया है, मैंने यहाँ पर क्रिएट करके यहाँ पर फ्री में आप देख सकते हैं मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं यह सब मैंने बना के रखा हूँ। इसी तरह से आप भी YouTube के लिए फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। तो यदि आप भी बनाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो कम्प्लीट देखना है। आप जान जाएंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए फ्री में वेबसाइट बना के कैसे अर्न कर सकते हैं 100%। यह बहुत ही एकदम अच्छा ऐप है, तो आपको इस वीडियो पूरा देखना है। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूँगा इस एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप साइन अप विद गूगल से आप किसी एक ईमेल आईडी से आपको फ्रेश ईमेल आईडी से नया से आपको लॉगिन हो जाना है। तो चलिए मैं लॉगिन होकर दिखाता हूँ, तो आपको उसको उससे लॉगिन हो जाना है। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप अपने वेबसाइट का नाम दे सकते हैं जिसे डोमेन कहते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर आपके अपने हिसाब से आपको नाम दे देना है। तो चलिए मैं कोई एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिख देता हूँ मोबीज वेबसाइट। तो चलिए मोबीज वेबसाइट मैं लिख देता हूँ। आपको लिख के आपको .com भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको .com भी मिल जाएगा। इस तरह से आप लिख के यहाँ पर क्रिएट यूआरएल पर क्लिक कर देंगे, यह आपका डोमेन नेम हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अलाउ कर देंगे, तो इनके इन यहाँ से जो भी ऑफर वगैरह आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो आप बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ऑन कर देंगे तो और भी बढ़िया, कोई भी यहाँ पर उनका ऑफर आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अबाउट यहाँ पर लिखना है, उसके बाद यहाँ पर लिंक वगैरह जो भी लगाना होगा आपको अपन ऐप चाहे वीडियो को लगा सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक्स, यहाँ पर फोटो वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर स्प्लैश दिया, यहाँ पर यूट्यूब के लिए आप अपना वीडियो यूट्यूब के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा कम्प्लीट बता दूँ कैसे आपको क्या करना है। तो आपको पहला नंबर यहाँ पर अबाउट पर सिलेक्ट पर क्लिक कर देना। दोस्तों, आपको इस वीडियो पूरा देखना, आप अपने YouTube वीडियो के लिए फ्री में वेबसाइट बना के पैसे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी थीम दिए हैं, आपको जो भी पसंद आएगा आपको उसे चूज कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अबाउट दिया, तो आप अपने बारे में लिख, जैसे आप लिख सकते हैं आल अबाउट मी, आप अपने बारे में पूरा लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी जैसे लिख सकते हैं आई एम, जो भी आप आपका YouTube चैनल का नाम होगा लिख सकते हैं। आई एम, जैसे मैं टेक ज्ञान लिख देता हूँ, आई एम टेक ज्ञान यूट्यूबर, यह लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह में कुछ लिख देना। तो चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, जैसे लिख सकते हैं आई एम यूट्यूबर एंड आई ऑलवेज गिवन बेस्ट वीडियो एंड बेस्ट कॉन्टेंट माई ऑडियंस। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी, यहाँ पर आप इसका इमेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप क्लिक करके। तो आपको चेंज करना होगा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिंक दिया है, यहाँ पर आप लिंक वगैरह भी लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर माय इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जैसे माय इंस्टाग्राम यहाँ पर लिंक। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक ला के यहाँ पर यहाँ से पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको लगाना होगा तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको पेस्ट कर देना। उसके बाद आप देख सकते क्रिएट कर दिए इस तरह से। उसके बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते आप जो भी लिखे हैं उसके बाद यहाँ सभी दिखाएगा, आप इसे पब्लिश भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना चाहिए, आप इसका यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट को यहाँ पर कलर वगैरह देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आप कलर वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट को यहाँ पर आप जो भी देना होगा आपको दे लीजिएगा। यहाँ से आप बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर चलिए इसको हम पब्लिश कर देते हैं। आप पब्लिश कर देंगे तो यह पब्लिश हो जाएगा, यह आपका जो पाला बन जाएगा। तो चलिए पब्लिश पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डन कर देना आपको। अब अबाउट क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं आपका अबाउट क्रिएट हो गया। तो अब आपको यहाँ पर चलिए इस पर क्लिक करना है। अब आपको लिंक पर सेलेक्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक थीम चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर कोई एक थीम चूज कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप अपना लिंक लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका जो भी लिंक होगा आप यहाँ पर माई लिंक पर, माई लिंक यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर YouTube चैनल लिंक, यहाँ पर आप अपने YouTube चैनल का लिंक यहाँ पर लगा सकते हैं यदि आपको लगाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने YouTube के लिए सब हेडिंग भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका YouTube का लिंक है, जैसे आप लिख दीजिएगा यहाँ पर जो भी आपको लिखना होगा यहाँ पर आपको लिख देना है।
जैसे चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख के आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा लिख देना जो भी आपको लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया आई हैव गिवन माय चैनल लिंक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्स, यहाँ पर मैंने यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर अपना लिंक यहाँ पर जैसे यूट्यूब का भी लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यूट्यूब, यहाँ पर आप लिख सकते हो यूट्यूब चैनल लिंक, यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल का लिंक पेस्ट कर देना है, इसे सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे सकते हैं, अदर कोई वेबसाइट होगा तो उसका भी लिंक दे के यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे भी प्रीव्यू करके यहाँ पर देख लेना कैसा दिखाई देना है, आप देख सकते हैं। या फिर यूट्यूब चैनल का लिंक दिखाई देंगे, फिर इंस्टाग्राम का लगा देंगे इंस्टाग्राम पर, यहाँ का फेसबुक का लगा देंगे फेसबुक का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कस्टमाइज करना होगा तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, चाहे सेकंड टॉप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको पब्लिश कर देना है, उसके बाद आपका भी पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप भी डन हो गया। तो चलिए मैं आपको तीसरा स्टेप बाद लाता हूँ। आपका दो स्टेप डन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिंक भी बन गया और आपका अबाउट बारे में भी दिखा रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर तीसरा यहाँ पर दिखा रहा हूँ टॉप पिक्स का। तो यहाँ पर आपको टॉप पिक्स पर सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी थीम आ जाएगा, तो आपको एक चूज कर लेना है। तो चलिए हम इसे थीम को चूज कर लेते हैं। तो आपको एडिट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर माई टॉप पिक्स है, यहाँ पर आप देख सकते दे रहे हैं, यहाँ पर आप इसका बारे में यहाँ पर सब हेडिंग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, आपको जो भी लिखना होगा लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इमेज भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको जो भी लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखाएगा, यहाँ पर जो भी लगाएंगे। उसके बाद आप इसे पब्लिश कर देंगे तो अभी यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो भी पिक वगैरह लगाना होगा लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा स्टेप भी डन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते तीन स्टेप डन होगा। तो चलिए मैं आपको फोर्थ वाला बता देता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे आने पर इस प्लस दिया होगा तो इस पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक कर देना, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा आ जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी थीम दिखाई देगा, तो यहाँ पर काफ़ी थीम है। तो चलिए आपको जो भी एक सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर काफ़ी थीम, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपने बारे में यहाँ पर मैसेज वगैरह कुछ दे सकते हैं, आपको जो भी मैसेज लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर उसका हेडिंग देख सकते हैं, यहाँ इमेज वगैरह चेंज करना होगा तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई भी लिंक पेस्ट करना चाहते तो आप यहाँ पर अपने टिकटॉक या इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह, जैसे आप लिख सकते हैं माई टिकटॉक, यहाँ पर टिकटॉक का भी लिंक लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिंक लगा के आप उसे भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका प्रीव्यू कैसे हुआ है। यहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक से या आप कस्टमाइज करना चाहते तो कर लीजिएगा। यहाँ पर फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, चाहे कलर तो आप चेंज कर सकते हैं, इमेज भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी आपको पब्लिश कर देना है, आप देख सकते हैं अभी पब्लिश हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका अबाउट भी हो गया, उसके बाद लिंक भी हो गया, यहाँ पर टॉपिक्स भी हो गया, यहाँ पर स्प्लैश भी हो गया। तो चलिए अब लास्ट वाले यूट्यूब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पर नीचे यूट्यूब पर आ जाना। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी थीम दिखाई देगा, तो चलिए कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी थीम है, तो आपको जो भी सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर आप। तो चलिए हम एडिट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर माई यूट्यूब चैनल लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं जैसे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे आपको लिख देना है यहाँ पर माई यूट्यूब चैनल लिंक या कार्ड हेडिंग में, यहाँ पर सब हेडिंग में लिख सकते हैं यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल लिख सकते हैं, माई चैनल इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिएगा उसके बारे में कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरे अच्छे तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप अपने चैनल का URL लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने चैनल का सब्सक्राइबर बटन लगा देना, उसके बाद चलिए यहाँ पर वीडियो लगा देना। तो चलिए मैं एक वीडियो और टाइटल लगा के दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं व्हाट्सअप, तो चलिए व्हाट्सअप 5 हिडन फीचर। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप अपन वीडियो को यहाँ पर इतनी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको सेव करना है, इसे आपको सेव करना है, तो इसे आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। पब्लिश करने के बाद भी बाद में आप एडिटिंग कर सकते हैं, एडिट आके कर सकते हैं दोबारा इसे आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने यूट्यूब वीडियो को भी लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर आप अपन वीडियो को भी लगा सकते हैं जितना चाहे। उसके बाद आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आपका यूट्यूब के लिए फ्री वेबसाइट बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसे गूगल पर भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अबाउट भी हो गया है, उसके बाद लिंक भी हो गया है, उसके बाद माई टॉपिक्स, उसके बाद यहाँ पर आपका यह भी हो गया, स्प्लैश भी हो गया, उसके बाद आपका यूट्यूब भी हो गया, आपका सब हो गया। तो चलिए इसे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप अपने गूगल पर चल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप गूगल पर आ गए यहाँ पर आप। उसके बाद यहाँ पर आपका दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका वेबसाइट दिखाई दे रहा है,
उसके बाद आप इधर सेलेक्ट करेंगे तो आपका लिंक भी यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपका टॉपिक्स भी दिखाई देगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्लैश भी दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यूट्यूब चैनल वगैरह भी दिखाई देगा। यहाँ पर आपका यूट्यूब वीडियो भी दिखाई देगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका वीडियो भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने चैनल यूट्यूब चैनल के एक फ्री वेबसाइट बना के अर्न कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि आपको कैसे क्रिएट करना है। यदि कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसे कॉपी कर लेंगे तो भी आप इसे कॉपी करके यहाँ पर कहीं भी पेस्ट कर देंगे तो ओपन हो जाएगा, जैसे गूगल पर। चलिए मैं यहाँ पर गूगल पर पेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप गूगल पर भी आप पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपका वह दिखाई देगा आपका वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गूगल पर पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका वेबसाइट, यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट आपका ओपन हो गया है, ये आप ही का वेबसाइट है। तो इस तरह से आप अपने फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना। तो दोस्तों इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। यदि आप अच्छे तरीके से कहेंगे तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।